वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यूट्यूब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कौन सा भी एक यूट्यूब का टेक चैनल देख रहे हैं, आपको कुछ ट्रिक्स या टिप्स बताई जा रही है और आपको उस टिप्स ट्रिक को जैसे वो बता रहे हैं, टेक यूट्यूबर बता रहे हैं, उसी तरह आपको फॉलो करना है, तो आपको बार बार यूट्यूब चालू करना पड़ेगा और वो ट्रिक अपनाने के लिए मोबाइल में यहाँ वहाँ ऐप्स खोलने पड़ेंगे। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप यूट्यूब का वीडियो तो चालू रहेगा और आपकी बाकी के काम भी आप कर पाओगे आपके मोबाइल में। तो आज का वीडियो मैं बहुत जल्दी मैं बना रहा हूँ और आज का ज़्यादा ये जो एप्लीकेशन रिव्यू है वो ज़्यादा ये भी नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, फिर भी आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। मैं इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के वीडियोस, जैसे कि एंड्रॉयड इनसाइडर हो, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हो या टेक और मीम्स हो, बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि नए नए वीडियो किस पर बनाऊँ, लाइक ज़रूर कीजिए। और ये मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे मराठी तो आती है, पर मैं हिंदी में बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप मराठी हो तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो अब मैं विषय की ओर बढ़ता हूँ। तो आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, जिसकी ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगी। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लाईट्यूब। फ्लाईट्यूब एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको सब बता दूंगा। पहले हम चलते हैं हमारे, करने के बाद आपको ओपन करके वहाँ सर्च करना है कौन सा भी एक यूट्यूब वीडियो। तो मैं एक सर्च कर लेता हूँ यहाँ एक वीडियो, 5 मिनट्स ऑफ फेसबुक, जो मेरा ही वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो इससे पहले मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था। ये देखिए, यही मेरा वीडियो है, 5 मिनट्स ऑफ फेसबुक। दोस्तों जस्ट आपको फ्लाईट्यूब पे क्लिक करने के बाद, जस्ट वंस फ्लाईट्यूब पे क्लिक करने के बाद आप फ्लाईट्यूब बंद भी कर दोगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैं ये क्लोज कर देता हूँ सब, तो वहाँ स्क्रीन जो जहाँ वीडियो दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन ऐसे ही चालू ही रहेगी। तो बस आपको आपके फ़ोन में आप कहीं भी कुछ भी दूसरा कुछ वर्क कर सकते हो और वीडियो रहेगा ही उस स्क्रीन पर। तो आप इसका उपयोग आप किसी टेक ट्रिक्स अपना में या टिप्स में कुछ टेक वीडियो देख रहे हो तो वहाँ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लिया, फिर भी वो वीडियो चालू ही रहेगा।